हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं हम आपके इस चैनल पर। आपको मिलेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स, तो चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, मेरे पास 9 सालों से भी ज्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी 30 से ज्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं, हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको बेस्ट एडुकेटर मिलेंगे। आपके लिए मैंने बनाया है ये टेलीग्राम चैनल, आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ये लिंक अवेलेबल है, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फी है 6,000 रुपये और 2 सालों के लिए 7,200 रुपये। लेकिन आप मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। जैसे इस रेफरल कोड को आप डालेंगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। जहां 1 साल के लिए फी थी 6,000, वहां लाएंगे 5,400 और जहां 2 साल के लिए फी थी 7,200, वहां लिया जाएगा 6,480 रुपए। तो मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। फर्स्ट सेशन का पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी परियोजना निगरानी इकाई किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, यानी कि कहने का मीनिंग कोयला मंत्रालय MOC यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोयला खानों के शीघ्र परिचालन और सुविधा के लिए परियोजना निगरानी इकाई यानी PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स शुरू की है। यानी क्वेश्चन क्या था कि परियोजना निगरानी इकाई किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, परियोजना निगरानी इकाई किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट, नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च्ड बाय, राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च्ड बाय, राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किसके द्वारा शुरू किया गया। पहला ऑप्शन है CSIR, दूसरा है ICMR, तीसरा है CAIT, चौथा ISRO और पांचवा IRDA। तो इसका सही आंसर क्या होगा, CAIT। CAIT लॉन्च्ड नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट। CAIT की बात करें तो क्या है ये, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। CAIT लॉन्च नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट फॉर रिटेल ट्रेडर्स। ट्रेडर्स बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैज अनाउंस टू लॉन्च ए नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट सून फॉर ऑल रिटेल ट्रेडर्स इन कोलेबरेशन विद सेवरल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। खुदरा व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने के लिए CAIT ट्रेडर्स बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने कई प्रौद्योगिकी भागीदारियों के साथ मिलकर के सभी खुदरा व्यापारियों के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्टर डेवलप्ड बाय, कीटाणु शोधन टावर यूवी ब्लास्टर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया। CSIR, ICMR, CAIT, ISRO या DRDO। इसका जो सही आंसर है क्या होगा, DRDO। DRDO क्या है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर फॉर रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज। एक ऐसे टावर बनाए जा रहे हैं जो दूर से उस एरिया को सैनिटाइज कर देगा। रक्षा अनुसंधान संस्थान और विकास संगठन DRDO ने उच्च संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों के तेजी से रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रा वायलेट यानी UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड में, फिफ्थ में, थर्ड में, फर्स्ट में एंड फोर्थ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ में।
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्नि शमन दिवस IIFD 2020 यह हर साल 4 मई को अग्नि शम को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो किसी कॉल पर बाहर जाने पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस दिन को मनाने के लिए का मुख्य उद्देश्य अग्नि शम को और उन सभी सेवाओं को धन्यवाद देना है जो प्रदान करते हैं, जो वो प्रदान करते हैं। यानी कि कहने का मीनिंग था क्या कि अंतर्राष्ट्रीय अग्नि शमन दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मई। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे IIFD 2020 इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 मई एवरी ईयर टू ऑनर द फायर फाइटर हु पुट देयर लाइव्स एट रिस्क व्हेन दे गो आउट ऑन ए कॉल। द मेन पर्पस ऑफ सेलिब्रेट दिस डे टू थैंक फायर फाइटर्स एंड द सर्विस दे ऑल प्रोवाइड। क्वेश्चन इन नेक्स्ट, रिसेंटली अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इज स्प्रेड इन विच स्टेट। हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू किस राज्य में फैला, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश या आसाम? आसाम में इसके कुछ लक्षण मिले हैं। राज्य में 15,000 से अधिक सुअर मारे गए अफ्रीकी स्वाइन फ्लू को फैलने के बाद। असम सरकार सुअरों को मारने की तैयारी कर रही है, रोकथाम के उपायों के बावजूद बीमारी अन्य क्षेत्रों में फैल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अटेंडेड 18th लॉन नॉन अलाइन मूवमेंट, इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, नाम समिट कहा जाता है। विच कंट्री वॉज होस्टिंग कंट्री? भारत ने 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में भाग लिया, कौन सा देश मेजबान देश था? पहला है अजबेरिस्तान, दूसरा ईरान, तीसरा बुल्गारिया, चौथा केनिया और पांचवा है बोत्सवाना। इसका जो आंसर होगा वो अजबेरिस्तान। यानी कहने का मैंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन 25 से 26 अक्टूबर 2019 को बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। ये थोड़ा नाम ही कुछ ऐसा है जो प्रोनंसिएशन दिक्कत होता है, अजरबैजान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव इमरजेंसी यूज ऑफ एन इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन रेमडेसिविर। यानी कहने का मैंने किस संगठन ने खोजी टीका रेमडेसिविर कि आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी, यूनेस्को, USFDA, WHO, CSIR या नन ऑफ दिस? इसका आंसर सही होगा क्या, USFDA, यानी USFDA जिसको हम लोग कहते क्या है, द US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर द यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल एंटी वायरल रेमडेसिविर, ये टीका का नाम ही है, इन ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 पेशेंट। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA COVID-19 रोगियों के उपचार जांचात्मक एंटीवायरल रेमडेसिविर के उपयोग के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUAS देता है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो जाइए YouTube पर, चैनल का नाम है करंट अफेयर्स इन 10, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और यह मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा। जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप इससे जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बताइए करंट अफेयर्स के बारे में। मैं डेली लेकर के आता हूँ 10 मिनट के 6 सेशन, यानी कि टोटल 60 करंट अफेयर्स, कोई भी एग्जाम का करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।